हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी। क्या कर रहा है, सीरियस वीडियो है भाई, टॉपिक सीरियस है, मजाक लगा के रखा है, फनी म्यूजिक डाल दिया है। चल म्यूजिक चेंज कर। सॉरी गाइस, सॉरी, लेट्स चेंज द म्यूजिक। सो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक से आप एक दिन सुबह को उठते हो, गेम खोलते हो और खोलने के बाद टॉप अप सेक्शन में जाके आप देखते हो 80 रुपए का यहाँ पे पूरा चेंजिंग हो चुका है और ये अभी उलट पुलट हो चुका है। मतलब 100 डायमंड के जगह पे 100 रुपए पे 80 डायमंड मिल रहा है। ऐसा अगर आपको देखने मिले तो उस टाइम पे आपका रिएक्शन एग्जैक्टली कैसा होगा। मैं अपनी रिएक्शन बता नहीं पाऊंगा क्योंकि कुछ बोले लायक है नहीं यार, लिटरली। आपको लग रहा होगा अबे ये क्या बके जा रहा है, वह कुछ भी बोल रहा है, मतलब डायमंड्स का प्राइस ऐसे कैसे इंक्रीज हो जाएगा, कुछ भी, मतलब कुछ भी बोलेगा कुछ भी हो जाएगा। नहीं भाई, कुछ भी बोलूंगा कुछ भी ठीक हो जाएगा। ये 2022 में पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि डायमंड्स का प्राइस इस साल हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। एंड जिस दाम में हम लोग अभी खरीद रहे ना, उससे कई ज्यादा दाम हमें देना पड़ेगा, ज्यादा हमें प्राइस देना पड़ेगा और उसके मुकाबले डायमंड्स हमें कम देखने को मिलेंगे। रिसेंटली टेकबिट्स के एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में इंडियंस द्वारा मनी स्पेंड किए जाने वाले एप्स के लिस्ट में सबसे ज्यादा टॉप में आता है फ्री फायर। एंड गाइस, यू कांट बिलीव, 256 करोड़, मतलब 256 करोड़ एक साल के अंदर फ्री फायर ने इंडियंस लोगों के थ्रू कमाया है। एंड बाकी के जो 5 एप्लीकेशन आपको देखने को मिल रहे हैं, ये टॉप 6 के लिस्ट में से है, बाकी 5 एप्लीकेशन इसके इर्द गिर्द भी नहीं है। और अगर गाइस इन 5ों को एडिशन किया जाए तब जाके फ्री फायर को ये सारे क्रॉस करेंगे। तो मतलब गाइस कुछ देख सकते हो, इवन गाइस BGMI जो कि बहुत पॉपुलर है फ्री फायर के अलावा इंडिया में, उनका भी आप लोग खुद रेवेन्यू दे सकते हो यहाँ पे इंडियन ऑडियंस के द्वारा 58 करोड़ ओनली, बट यहाँ पे 256 करोड़ बाय फ्री फायर। पिछले कुछ महीनों में इंडिया को छोड़कर बाकी बहुत सारे कंट्रीज में ये चीज देखने को मिला है कि डायमंड्स का प्राइस ज्यादातर अपर लेवल पे गया है और बहुत ज्यादा फेर बदल हुआ है प्राइस में, कभी घटा है कभी बढ़ा है, कभी घटा है कभी बढ़ा है, लेकिन ज्यादातर घटा नहीं है बढ़ा है। इंडोनेशिया हो जाए, टर्की हो जाए, USA हो जाए, थाईलैंड हो जाए, इन सभी कंट्रीज में ना बहुत ज्यादा प्राइस का फेर बदल हुआ है गाइस। एंड ये चीज बिल्कुल सच है, मैं एग्जैक्ट डेटाबेस के साथ बता रहा हूँ जो कि मुझे मालूम पड़ा है अभी के टाइम पे। 2018 में फ्री फायर लॉन्च होने के बाद से कभी भी हमारे इंडियन सर्वर के अंदर डायमंड्स का प्राइस ना तो घटा है ना तो बढ़ा है, कुछ भी नहीं हुआ है, जो कि प्राइस फिक्स था पहले से वही अभी तक चलते आ रहा है। एंड ये इस साल बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज ये है, इस साल हमें प्राइस देखने को मिले बहुत ज्यादा हाई। मैं बीजी में उतना ज्यादा खेलता नहीं हूँ, लगभग खेलता ही नहीं हूँ, सो दैट मुझे उसके यूसेज के बारे में उतना ज्यादा अच्छा खासा नॉलेज नहीं है। तो मैंने अपने दोस्त से ही पूछा जो कि बहुत ज्यादा BGMI खेलता है, उससे मैंने पूछा कि भाई तेरे वहाँ पे यूसेज का प्राइस वगैरह कितना है, मतलब मिनिमम कितने यूसेज मिलते हैं, कितने प्राइस से मिल जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे शुरुआती जो होता है डायमंड्स वो मिलते हैं 80 रुपए में 100 डायमंड, यूसेज वहाँ पे होते हैं BGMI में होते 75 यूसेज वो भी 80 रुपए में। तो गाइस खुद आप लोग अंदाजा लगा लो कि कितना ज्यादा खतरनाक वाला सीन है वहाँ पे। एंड ऐसा नहीं है कि 75 यूसेज में बहुत कुछ निकल जाता है, मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई 75 यूसेज में क्या कुछ होता है, बोल रहे कुछ नहीं होता है भाई, कुछ नहीं होता है, कटता है पूरा, बहुत कटता है। तो लिटरली गाइस मान के चल सकते हो हमारे 100 डायमंड्स में जो होता है उनके 75 यूसेज में वही होता है। और अभी तक BGMI को ही कहीं ना कहीं फॉलो करता हुआ फ्री फायर आया है, तो ये हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं डायमंड्स के प्राइस इंक्रीज होने के चांसेस है। एंड सिर्फ यही नहीं गाइस, बढ़ते हुए इन्फ्लेशन रेट की वजह से हर एक चीज का प्राइस बहुत ज्यादा हाई जा रहा है और ये अभी से नहीं बहुत पहले से ही होता आ रहा है। पहले तो मैं आज से 10 साल पहले मैं गोलगप्पे मतलब पानी पूरी खाता था 1 रुपए में 2, और अभी के टाइम पे अगर मैं पानी पूरी खाने जाता तो 10 रुपए में 5 मिलते हैं, मतलब कहां से कहां आ गया है, आप डिफरेंस खुद देख सकते हो, बहुत मुश्किल से 5 आ जाते हैं, नहीं तो 4 भी मिलते हैं कहीं कहीं। और अगर आपको इन्फ्लेशन रेट के बारे में पता नहीं है तो डेफिनेटली आप जाके यूट्यूब में सर्च कर लो, अभी जाके सर्च कर लो कि इन्फ्लेशन रेट होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं ना जिनको पता नहीं होगा ये चीज के बारे में, और बहुत सारे बड़े भी है जिनको ऑब्वियसली बात है इकोनॉमिक्स वाली बात है तो पता नहीं होता है, मैंने पढ़ा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सो इन गेम करेंसीज भी एक प्रकार की करेंसीज ही होती है गाइस, ठीक है, ये भी एक करेंसी होता है जिसका प्राइस भी अप डाउन होता रहता है। हालांकि हमारे यहाँ पे बहुत खुशनसीब है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ हमारे यहाँ पे अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन कोई भी दिन हो सकता है जिस दिन के बाद से शायद, जैसे प्रधानमंत्री जी ने हमारे एक मतलब अचानक से रात के 12 बजे घोषित कर दिया था ना कि आज रात 12 बजे से, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से 500 के नोट्स, 1000 के नोट सब बंद होने वाले, ऐसा सीन हो गया था उस टाइम पे। हम लोग अरे भाई क्या करें, ऐसा सीन हो गया था। उसी तरीके से हो सकता है गाइस, ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है गाइस, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि अपने डायमंड्स के प्राइस बहुत ज्यादा हाई जा सकते हैं। ऐसा होगा कि पैसा हाई चला गया, डायमंड्स कम हो गए, या फिर 90 रुपीज में 100 डायमंड्स मिल रहे, ऐसा हो सकता है। तो गाइस ये चीज मैंने अभी से आपको बता दिया। एंड गाइस मुझे ये बताओ कि उस टाइम पे आप लोग
लोग क्या करोगे, क्या आप लोग टॉप अप करोगे या फिर टॉप अप नहीं करोगे, ये डेफिनेटली मुझे बताओ, मुझे जानने का बहुत ज्यादा उत्सुकता है। अब वैसे मुझे पता है कि आप लोग अभी भी बहुत कम करते हो, करते ही नहीं हो लगभग, तो तभी भी ना ही करना क्योंकि भाई कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन स्टिल आपका रिएक्शन कैसा होगा और क्या करोगे मुझे जरूर से बताओ कमेंट सेक्शन में अभी जाके, मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ आप लोगों का कमेंट पढ़ने के लिए। बाय द वे ये वीडियो बहुत ज्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के अंदर, मुझे पता है कि आप नहीं करते हो लेकिन आपका दोस्त आपको करके चिढ़ाता है कि भाई मैंने ये टॉप अप किया है, उसको ये वीडियो शेयर करो और उसको ना अचानक से ऐसे झटका लगेगा, ऐसे लगेगा और लिटरली वो देखने वाली बात होगी। सो डेफिनेटली गाइस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू टुमारो, क्या बोल रहा हूं, टुमारो क्या होता है, सी यू टुमारो, गुड बाय एंड लव यू ऑल।